सो हे गाइस, इट्स बॉय अब भी आ रहे हैं। तो गाइस, आज का ट्यूटोरियल अपने फोटो में ग्रेट ऑन आप कैसे डाल सकते हो इसी के ऊपर है। एंड गाइस, होली के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर आपको कार्ड बटन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर भी टैप करके सीख सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अपने फोटो को ऐड करना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो गाइज, मैं इसका प्रीसेट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहो तो एक क्लिक में प्रीसेट का सेटिंग कॉपी करके अपने फोटो को ग्रेट ऑन में बदल सकते हो। सो आप प्रीसेट भी ट्राई कर सकते हो, एंड देन मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप प्रीसेट कैसे बना सकते हो ग्रेट ऑन के लिए। सो मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर दें तो देख सकते हो गाइज, एक क्लिक में ग्रेट ऑन आ चुका है, पहले बिफोर एंड देन आफ्टर आपने देख ही लिया। सो अब स्टार्ट करते हैं, इसे ऑनडो में कर दिया। अब उसके बाद गाइज, आपको जाना है लाइट पे। तो देखो गाइज, हर किसी का स्किन टोन अलग अलग होता है, तो मैंने यहाँ पे शेडो कितना कम करा है उससे मतलब नहीं है। ब्लैक यहाँ पे -22 रखा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी -22 ही रखो, बिकॉज गाइज सबका स्किन टोन अलग अलग होता है। तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से प्रोसेस तो गाइज वही रहेगा, लेकिन स्किन टोन अगर आपका कुछ अलग है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक 22 करा था माइनस, तो आप थोड़ा डिक्रीज और करके देख लेना, या और भी ज़्यादा इंक्रीज साइड में भी करके देख लेना कि इस पर बढ़िया लग रहा है। तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज करके देख लेना कितना पे अमाउंट आपको सही लगता है आपकी स्किन टोन के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ल्यूमिनेंस मैंने 12 रखा है, और ये बैलेंस भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। और जो मिड टोन है इसका भी अपने ल्यूमिनेंस वगैरह छेड़ के देख लेना, तो डिक्रीज के साइड बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये जो हाईलाइट है इसका भी ल्यूमिनेंस, तो ये भी डिक्रीज के सही है, और बैलेंस भी डिक्रीज कर देना आपको। उसके बाद गाइज, आपको जाना है मिक्स टूल में, और जो हमारा फेस कलर होता है ऑरेंज कलर, उसका ल्यूमिनेंस आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, और सैचुरेशन इसका डिक्रीज़ करना है। ओके, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस रहेगा गाइज, और सेम आगे के वाला कलर में आपको मैचिंग करके देख लेना कि इस पर सही लगता है। और ये ब्लू कलर है, तो इसका भी हम लोग सैचुरेशन वगैरह छेड़ लेते हैं, और ल्यूमिनेंस वगैरह सबको इंक्रीज डिक्रीज करके आपको देख लेना, जिस पे आपको सूटेबल लगता है वही रखो। एंड गाइज, कुछ दिनों से रिस्पॉन्स बहुत ही कम मिल रहा है, यानी कि सपोर्ट बहुत ही मतलब कम हो रहा है। तो यार ऐसा मत करो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार, सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ अपने चैनल पर। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, तो इंस्टाग्राम के बायो सेक्शन मैंने अपने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ पर टैप करके डायरेक्टली पहुँच जाओगे इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल पे, तो कंटेंट चेकआउट करो गाइज। अगर आपको कोई भी कंटेंट पसंद आता है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो मेक श्योर कि एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब मतलब कंटेंट चेकआउट करके ही जाना। और उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको शार्पनिंग इंक्रीज़ करना, तो शार्पनिंग इंक्रीज़ करते समय आप मास्किंग का यूज़ ज़रूर से करना। सो मास्किंग को आप एक फिंगर से स्टार्टिंग पॉइंट पर रखो, और एक फिंगर से आपको इंक्रीज़ करना, तभी ये आउटलाइन ड्रॉ होगा अपने फ़ोटोज़ में। तो जितना भी आपको आउटलाइन दिख रहा है, सिर्फ वहीं पे शार्पनिंग इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। सो इससे बहुत ही मतलब एक बढ़िया इल्यूज़न आता है अपने फोटोज़ में। सो मेक श्योर कि इसे ज़रूर से ट्राई करना। ओके, और उसके बाद गाइज, आपको नॉइज़ रिडक्शन इंक्रीज़ करना है, ताकि थोड़ा सा हमारा फेस स्मूथ हो जाए। तो आप बिफोर एंड देन आफ्टर देख सकते हो नॉइज़ रिडक्शन का, एंड देन कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी इंक्रीज़ करना है, ताकि हम लोगों ने जो ग्रे टोन दिया है बैकग्राउंड में, उसका भी एकदम स्मूथनेस बना रहा है, और फोटो एक बहुत ही बढ़िया इल्यूज़न में लगे, और स्मूथनेस इंक्रीज़ कर देना आपको। सो फोटो का गाइज, अब रिटचिंग कंप्लीट हो चुका है। सो अब बिफोर एंड देन आफ्टर देखो, काफ़ी सही लग रहा है। सो गाइज, कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको ये वाला टोन कैसा लगा, एंड देन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो डैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी। आई होप आई ब्रॉट योर स्माइल।